हेलो गाइस, वेलकम टू विकास फिटनेस गाइड। वंस अगेन आज हम बात करने वाले हैं इवियन विटामिन ई क्रीम के बारे में कि इवियन विटामिन ई क्रीम में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, इसकी प्राइस क्या है और इस क्रीम विटामिन ई क्या होता है, स्पेशली स्किन में क्या फायदा करता है, ठीक है, और इसको लगाने के टाइमिंग सबसे बेस्ट क्या है विटामिन ई को। इवन आई एम ऑल्सो यूजिंग विटामिन ई क्रीम। मैं जो अभी क्रीम यूज कर रहा हूँ मेरे यहाँ पे, मेरे पास अभी पड़ी हुई वेरा ई और एलोवेरा क्रीम, ठीक है। अगर आपको वेरा ई क्रीम नहीं मिलती है तो आप इवियन ई क्रीम यूज कर सकते हैं। दोनों के इंग्रेडिएंट बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम दोनों हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, विटामिन ई क्रीम के बारे में, सॉरी। तो चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं आपको बताता हूँ इवियन विटामिन ई है, इसकी मार्केट में जो है ये 20 ग्राम और 60 ग्राम ज्यादातर इसमें अवेलेबल है। आपको 20 ग्राम की जो क्रीम है आपको हार्डली 140-150 रुपीज तक तो मिल जाएगी, और जो 60 ग्राम की क्रीम है आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे आप खरीदेंगे तो आप कहीं 1400-1500 रुपीज भी दिखेगा, कहीं 1300 है, कहीं 1100 है। तो मैक्सिमम जो प्राइस है वो अराउंड 500 से ज्यादा नहीं मिलेगा अगर 60 ग्राम्स के आप लेते हैं तो, ठीक है। सो आप 20 ग्राम्स की लीजिए, 145 रुपीज में आपको अवेलेबल हो जाएगी मेडिकल स्टोर पे। सो ठीक है, तो इसका जो मिनिमम जो प्राइस है ये दिया गया, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है इसमें दिया गया स्पेशली विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई इसमें दिया गया, साथ में आपको दिया गया एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट जो आपको पता ही है स्किन को एक नेचुरल बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर, जो स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन को सुंदर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो काफी फायदे हैं, आप लोगों को पता ही है एलोवेरा के बारे में, जो इसके बारे में एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत नहीं लगती ऐसा, ठीक है। पर मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि विटामिन ई जो है इसके बारे में बताऊंगा, विटामिन ई क्या होता है। विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, स्पेशली इट्स अ फैमिली फ्रॉम अ फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। वैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है, सॉरी नॉट विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब जितने भी है ये सब फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। और जो इन सब का स्किन में काफी अच्छा यूज होता है, स्पेशली और स्पेशली जो विटामिन ई है ये स्किन में यूज किया जाता है। विटामिन ई आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है और आपकी स्किन एजिंग को कम करने में हेल्प करता है स्पेशली, और क्या, ठीक है। और इसके अलावा इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, ठीक है, विटामिन ई के। अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं, आपकी स्किन बहुत डल है, तो इसमें भी थोड़ी बहुत हेल्प करता है कहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है कि विटामिन ई लेने से कोई जादू हो जाने वाला है आपकी स्किन के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। बहुत से लोग मैंने देखा है कि विटामिन ई के अलग अलग तरीके कैप्सूल्स भी यूज करते हैं, कई लोग 400 mg विटामिन सॉरी 400 IU पर डे के लेते हैं। तो मिनिमम जो विटामिन ई है आपको 15 mg पर डे एक एडल्ट के लिए बहुत होता है, ज्यादा आप लोगे तो आपको साइड इफेक्ट होता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि विटामिन ई ज्यादा लेने से आपकी आपका जो ब्लड में आपका ब्लड क्लॉट बनाना बंद कर देती है बॉडी, तो काफी दिक्कत हो जाती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटामिन ई नहीं ले, क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो आपको साइड इफेक्ट भुगतने पड़ सकते हैं, ठीक है। डोंट टेक इन एक्स्ट्रा, आप नेचुरल लीजिए, फूड्स इनटेक से कोशिश कीजिए विटामिन ई को कंप्लीट करने के लिए। आप एग ले सकते हैं, मीट प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सब में विटामिन आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर नेचुरली आप ऐसे क्रीम के बेस पे आप लगाते हैं तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं, इसका इतना ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल यूज के लिए, नहीं कि आप लॉन्ग टाइम तक विटामिन ई क्रीम को यूज करिए। थोड़ा टाइम के लिए आप यूज करते हैं, 1 या 2 मंथ्स 3 मंथ्स आपने यूज किया, थोड़ा टाइम के लिए आप इसको बीच में गैप भी दे सकते हैं, दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज हो अगर आप उसको लॉन्ग टर्म तक यूज करेंगे तो आपको यह साइड इफेक्ट होंगे ही होंगे स्किन पे, क्योंकि स्किन स्किन हैबिचुअल हो जाती है, इसके आप बाद में आप छोड़ देते हो तो वापस आपकी स्किन डल हो जाती है। तो उसको ऐसे ऐसे स्किन को मत यूज करें। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है, तो आप विटामिन ई क्रीम को यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म तक भी, जब तक आप चाहें, मतलब कहने का मतलब ये, अगर आप डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है तो, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर कि मैं आपको सलाह दूं कि यार ऐसे करना ऐसे नहीं करना, बट ठीक है, ये नेचुरल एक क्रीम है, आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी इसे यूज कर रहा हूँ, इसके लिए कोई इतने ज्यादा डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो मैंने आपको बताया विटामिन ई क्रीम का, जो इवियन जो ई क्रीम है इसके अंदर आपको बताया विटामिन ई स्पेशली आपको मिलेगा, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट आपको मिलता है। इसको लगाने का तरीका यही है कि आप मॉर्निंग में नहा बाथ लेने के बाद आप मॉर्निंग में से विटामिन ई क्रीम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको रात को सोते समय भी आप चाहें तो उस समय भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा धूप में घूमते हैं करते हैं तो आपको सनस्क्रीन लोशन यूज करना बहुत जरूरी है। तो आप मॉर्निंग में मान लीजिए विटामिन ई क्रीम यूज करते हैं, इसके बाद दोपहर में अगर 2 या 3 बजे आप कहीं बाहर निकलते हैं 12 बजे के बाद, तो आप सनस्क्रीन लोशन भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसका मैंने प्राइस आपको बता दिया, 145 रुपीज की आती है 20 ग्राम की। अगर आप 60 ग्राम की लेते हैं तो 500-600 रुपए से ज्यादा नहीं आने वाली है। कोई आपसे 1200-1300 मान लेते हैं, मैं तो कहता हूँ मत देना। फ्लिपकार्ट ऐसे 500 रुपीज में अवेलेबल है, अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अलग अलग ऑनलाइन जगह आप चेक करके फिर भी आप देख लीजिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है दोस्तों। सो ये मैंने आपको रिव्यू दिया है आज इवियन विटामिन ई क्रीम के बारे में। इसको लगाने का मैंने आपको तरीका बताया, मैंने आपको उसकी प्राइस भी बताई,
और इसके मैंने बेनिफिट्स भी बताया आपको। इसके बेनिफिट्स यही है, आपके स्किन एजिंग को कम करता है, अगर पिंपल्स को रिमूव करता है, स्किन के अगर डार्क स्पॉट है आपकी स्किन को, आपकी स्किन अगर बहुत ज्यादा पैची स्किन है, डल स्किन है, आपको लगता है कि यार आपको बहुत ड्राई स्किन है, तो उसमें भी आपको ये हेल्प करने में हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज विकास।